स्वागत है आप सभी का हमारी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पीएनएसटी सब्जेक्ट केमिस्ट्री की तीसरी क्लास में। उम्मीद है दो क्लास में जो आप लोगों ने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा, और आपको डाउट लगे तो आप डेफिनेटली पूछें हमसे। आपके डाउट देखे हमको अच्छा लगेगा और हम और अच्छे से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करेंगे आज का हमारा जो है पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर, जरूर ध्यान रखें स्थिर पूछ रहा हमसे, स्थिर द्विपरमाणु मतलब जिसमें दो परमाणु हो, जैसे यहाँ एग्जांपल देखेंगे अभी, द्विपरमाणु जाति है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर द्विपरमाणु जाति है? दो परमाणु है यहाँ पे सभी N2O2, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज और जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, वो दो परमाणु, इनमें से हमको स्थिर ढूंढना है। अभी ऑप्शंस देखते हैं अपन। ये हमारा सबसे पहले देखते हैं दो, एक तो पॉजिटिव चार्ज दिख रहा हमको यहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब आपका केटायन पॉजिटिव चार्ज धनायन, और नेगेटिव चार्ज मतलब एन आयन ऋण आयन। जितने भी ये जो आयन होते हैं ये होंगे अस्थिर, अनस्टेबल, अस्थिर होंगे। क्यों? क्योंकि इनने एक इलेक्ट्रॉन लेके या देके, इलेक्ट्रॉन इसने तो लूज कर दिया, इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया और इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो इससे आयन का निर्माण किया। और आयन कभी भी स्थिर नहीं होता, वो अस्थिर होता है, वो अपने अपोजिट चार्ज मतलब जो इसके उल्टा चार्ज वाला उसको ढूंढ के उससे रिएक्शन करके स्टेबल होने की कोशिश करेगा। तो ये तो डेफिनेटली ये दोनों नहीं है, ओ टू प्लस और ओ टू माइनस। अब बचा क्या आपके पास? एक तो है एन टू, उसके बाद है आपका ओ टू। ओ टू की बात करें, ओ टू जो है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में होता है डबल बॉन्ड, क्या होता है डबल बॉन्ड, द्विबंध होता है, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। अब ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, इसको अगर मैं तोड़ने जाऊं मतलब इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बंध वियोजन ऊर्जा, वो कम होगी, क्योंकि दो द्विबंध को ही मुझे तोड़ना है, तो मैं एनर्जी लगा के इन दोनों को आसानी से तोड़ दूंगा तो ओ और ओ दोनों अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं नाइट्रोजन को तोड़ने जाऊंगा, इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, बंध वियोजन जो ऊर्जा है, कंपेयर टू ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की तुलना में ये ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसके पास ट्रिपल बंध है, ट्रिपल बॉन्ड है, और इस ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है ना, बंध को तोड़ने की जो ऊर्जा वो ज़्यादा है। यानी कि अगर कंपेयर करूँ मैं ऑक्सीजन से, तो नाइट्रोजन को तोड़ने में मुझे ऊर्जा ज़्यादा लगानी पड़ेगी, और जहाँ ऊर्जा ज़्यादा लगेगी यानी कि वो परमाणु या वो अणु कैसा होगा, स्थिर होगा। तो नाइट्रोजन जो है स्थिर है इन सब में से, तो हमारा आंसर क्या हो गया N2। एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं कि त्रिबंध होता है, बंध वियोजन ऊर्जा ज़्यादा है, इस वजह से जो हमारा सही आंसर है वो है N2। इन सभी में से नाइट्रोजन की जो है बंध वियोजन ऊर्जा ज़्यादा होगी। एक चीज़ और, नाइट्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में जो बंध है, इसमें डबल बॉन्ड और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये जो है आपका सहसंयोजी बंध है, कोवेलेंट बॉन्ड, ये डबल मतलब द्विसहसंयोजी बंध और ये त्रिसहसंयोजी बंध, जो कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से यानी कि इलेक्ट्रॉन के साझे से जो बंध बनता है उसको हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है। दिए गए यौगिक इथाइल या एथिल बेंजोएट और ब्यूटेनिक एसिड के युग्म द्वारा प्रदर्शित समावयवता का प्रकार है। फिर से समझते क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। योगी को जो हमारे दिए हुए हैं, एक है इथाइल बेंजोएट और एक है ब्यूटेनिक एसिड, इनमें हमको फॉर्मूले याद रखना पड़ेंगे, फॉर्मूले बनाना पड़ेंगे, तभी हम आगे क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। और पूछा गया एक समावयवता किस कौन से प्रकार की इनके अंदर है, जैसे कि ऑप्शन देखें तो लिंकेज है, कार्यात्मक समूह समावयवता है, समन्वय समावयवता है, और ज्यामिति समावयवता। सबसे बड़ी बात है एक समावयवता के बारे में बात करेंगे पहले, क्योंकि ये समझे बगैर आगे का मतलब ही नहीं कुछ। समावयवता है ना, जिसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे आइसोमेरिज्म या आइसोमेराइजेशन। होता क्या है कि जो इनका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, समावयवता में जो केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है, एक केमिकल फॉर्मूला होता है, लेकिन जब अपन उनकी संरचना बनाने जाते हैं तो स्ट्रक्चर क्या बनेंगे उसके, एक से ज़्यादा। जैसे CO2 है तो ये इसका फॉर्मूला और ये इसकी संरचना है, कार्बन जो है इधर भी डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा, इधर भी डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा। लेकिन समावयवता में क्या है, केमिकल फॉर्मूला जो उसका रासायनिक सूत्र है वो तो एक है, लेकिन जब उसके आप संरचनाएँ बनाने जाएंगे तो एक से अधिक संरचनाएँ देगा, उसको ऐसी संरचनाओं को हम बोलेंगे समावयवी संरचना, और इस घटना को हम बोलेंगे समावयवता, जो कि जिसके कुछ प्रकार यहाँ पे दिए हुए हैं।
अभी क्वेश्चन है कि इथाइल बेंजोएट और ब्यूटेनिक एसिड, इन दोनों में ये कौन किस प्रकार की समवयता दिखाता है? तो यहाँ जो है कार्यात्मक समूह समवयता, जिसको हम क्रियात्मक समूह समवयता भी कह सकते हैं, वो इसका सही आंसर है। अब वो क्यों है, वो नीचे जस्टिफाई किया हुआ है कि ये आपने उसने पहले क्वेश्चन दिया कि इथाइल बेंजोएट का फॉर्मूला लिखा गया है कि इथाइल बेंजोएट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, C9H10O2, यानी कि 9 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन की संख्या कितनी, 2। और उन दोनों के दो अलग अलग स्ट्रक्चर यहाँ आपके सामने बने हुए, ध्यान से समझे इस क्वेश्चन को। C6H5 मतलब यहाँ कोई बेंजीन रिंग है, COOC2H5 ये क्या है, ये है आपका RCOOR और ये क्रियात्मक समूह होता एस्टर। जी हाँ, एस्टर है ये। इथाइल बेंजोएट एट नाम के पीछे लगता है एस्टर के, जब IUPAC नामकरण करेंगे तो उसके नाम के पीछे लगेगा एट, तो ये एक तो एस्टर हो गया आपका। अब इसी का एक और जो संरचना क्रम बना सकते हैं, तो वो एक बेंजीन रिंग ले ले CCH5, उसके साथ CH2CH2COH, ये COH मतलब कि कार्बोक्सिल एसिड है, तो ये आपका क्या हो गया, एसिड। तो क्रियात्मक समूह समवयता होती क्या है वो भी समझे, कि क्रियात्मक समूह समवयता में जो केमिकल फॉर्मूला वो सेम है, लेकिन जब हम उसकी संरचना बनाते हैं तो दोनों संरचनाओं में आपको दो अलग अलग क्रियात्मक समूह देखने को मिलेंगे। यहाँ आप देख रहे हो एक एस्टर है और एक क्या है, एसिड है, तो दोनों फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों के जो क्रियात्मक समूह है वो क्या है, अलग अलग है। तो ये इथाइल बेंजोएट का हो गया। अगला आप देखें हमारा ब्यूटेनोइक एसिड, साथ में कार्बन की नंबर के कैलकुलेट करके देख ले, कहीं मैंने गलत तो नहीं बनाई है, 6 कार्बन 7 और 2 9 कार्बन, हाइड्रोजन हो गए 10 और 2 ऑक्सीजन ये आपके। और इधर भी देख ले, ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, बेंजीन का मतलब होता है C6H5, ठीक है, एक CH2 और एक आपका है COOH, इनको गिन ले बराबर हो जाएगा सारा। अगला आपका है ब्यूटेनोइक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है C4H8O2, ब्यूटेनोइक एसिड, 4 कार्बन 1 2 3 और एक COOH, ये आपका ब्यूटेनोइक एसिड का एक स्केलेटन हो गया। 4 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ भी देखिए आप, एक इसका संरचना बनाई हुई है, ये क्या है, अभी आपने देखा RCOOR एस्टर, और ये क्या है, COOH एसिड, सेम ऊपर देखा आपने, एक एस्टर एक एसिड और एक एसिड और एक एस्टर, तो ये ब्यूटेनिक एसिड। तो इन संरचनाओं से पता क्या चला कि ये जो है क्रियात्मक समूह समवयता दिखाता है, या कार्यात्मक समूह समवयता के फॉर्मूला इनका सेम है, लेकिन जब हम इनके स्ट्रक्चर बनाएंगे, जब इनकी संरचनाएं बनाएंगे, तो हमें दो अलग अलग क्रियात्मक समूह यहाँ पे मिलेंगे, एक ये और एक ये। इस तरीके की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगी, क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ईजी लगेगा। एक संख्यात्मक प्रश्न आ गया हमारे लिए, फिजिकल केमिस्ट्री बायो के स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो कोशिश की गई है कि सरल तरीके से आपको समझाया जाए। एक अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था स्थिरांक, साम्यावस्था स्थिरांक कितना दिया हुआ है, 10। R का मान दिया है 8 J/1 mol/1 और T टेम्परेचर दिया हुआ है 300 K। तो अभिक्रिया के लिए ΔG0 का मान क्या होगा, फिर से समझिए क्वेश्चन को। अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था स्थिरांक, स्थिरांक का मान क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 10। R 8 J/1 mol/1 यूनिट जो है वो समझना बहुत जरूरी है। टेम्परेचर 300 K, हमें ΔG0 का मान निकालना। अब ΔG0 क्या है भाई, ΔG0 का मान आपको निकालना है और ये होता है गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये आपकी ΔG0। R हमारा गैस नियतांक होता है, PV=nRT, इक्वेशन आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी, आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श इक्वेशन जो जिसको बोलते हैं, आदर्श गैस नियम जो है हमारा, वो PV=nRT, उसमें R जो है गैस नियतांक होता है, T सभी को पता है टेम्परेचर है, और ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं -5.527 kJ/1 55.27 5527 और 52.7, ये आपके ऑप्शंस हैं, इसको सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व कैसे करेंगे, इक्वेशन है ΔG0 यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंज होता है उसको सोल्व करने के लिए इक्वेशन काम में आती -2.303 यानी कि -2.303 RT लॉगरिथम KC। KC जो क्या है, हमारा साम्यावस्था स्थिरांक है जिसका मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 10। लॉग निकालना पड़ेगा,
आर आपका गैस नीतांक है, टी टेम्परेचर है। तो जो चीज़ें हमारे पास है, जो वैल्यूज हमको गिवन है, वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इसमें रखेंगे। तो -2.303, आर क्या है हमारा गैस नीतांक, टी क्या है टेम्परेचर 300, और लॉग की जगह लॉग, और के सी की वैल्यू हमने रख दी 10, यानी लॉग इंटू 10। और लॉगरिथम हम देखें, लॉग 10 की जो वैल्यू होती है, लॉग 10 की जो वैल्यू होती है, उसका मान होता है 1, तो इसकी जगह क्या जाएगा 1, बाकी सेम है, -2.3038 इंटू 300 इंटू 1। इस सब को जब आप सोल्व करेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो होगी -5527.2 केल्विन। ये भी ऑप्शन है, लेकिन ये सही आंसर नहीं है, क्योंकि ये आंसर आया है केल्विन में। अब क्वेश्चन में जाएं, आप क्वेश्चन में उसने पूछा है कि साम्यता स्थिरांक है, और ये सारी वैल्यू जो है के किलो जूल केल्विन इनवर्स वन में दी हुई है, यानी कि भी काम बाकी है। किलो जूल में परिवर्तित करने के लिए आप 1000 से डिवाइड कर देते, 1000 से भाग दे दे, तो -5.527 आपको मिल जाएगा। आपका आंसर क्या हो गया, -5.527। यस, फर्स्ट वाला आंसर आपका करेक्ट है। एक बार फिर से देख लीजिए इसको, हमको डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू दी हुई है, टी की वैल्यू दी हुई है, साम्यता स्थिरांक के सी की वैल्यू दे रखी है 10 है। इक्वेशन जरूर याद रखना पड़ेगी, डेल्टा जी नॉट यानी कि जो है गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स फ्री एनर्जी, -2.303 आर टी लॉग के सी, आर का मान रखे, टी का मान रखे, लॉग की जगह लॉग, और के सी का मान दिया हुआ 10, लॉग 10 की वैल्यू होती 1, ये लॉग 10 इज इक्वल टू 1, बाकी पुट करने के बाद -5527.2 केल्विन, और किलो जूल में परिवर्तित करेंगे तो 1000 से भाग देंगे, आंसर आ जाएगा -5527। आप लोग बायो के स्टूडेंट्स हैं, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना बहुत नेसेसरी, वहाँ कम टाइम होगा और इस तरह की कैलकुलेशन टाइम लेगी, तो डेफिनेटली आप इस तरह के क्वेश्चन को 3 से 4 बार सॉल्व करें, और फिर इस तरीके के कुछ दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व करें, ताकि आपकी मैथ्स की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीय बहुलक है, क्वेश्चन समझे, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीय बहुलक है। ऑप्शन देख लेते हैं, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, एक ही है पूरा, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको आप बोलेंगे पीवीसी, तीसरा है बेकेलाइट, और चौथा है पॉलीथिन। ये सारे पॉलीमर्स है, बहुलक है। बहुलक की छोटी सी परिभाषा, जब कई सारी छोटी छोटी इकाइयां मोनोमर्स एक लग आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, बहुलक बनाते हैं। तो कई सारी जब छोटी छोटी इकाइयां आपस में मिल जाएगी तो वो बनाएगी बहुलक, इस क्रिया को कहते हैं बहुलीकरण, और ये हो जाएंगे बहुलक, ये सारे बहुलक हैं। अब ये जो बहुलक सारे यहाँ दिए हुए, उसमें से पूछा क्या है, जैव निम्नीय अंग्रेजी में बोले तो बायोडिग्रेडेबल, इसको समझे बायोडिग्रेडेबल जैव निम्नीय का मतलब क्या। यहाँ जो ऑप्शन देख रहे हैं, पॉलीथीन है, पीवीसी बेकेलाइट है, हमारे आसपास हम देखते हैं कांच वगैरह है, पॉलीथीन, ये जो बहुलक हैं हमारे दैनिक दिनचर्या में काम में आते, और ये आसानी से इनको खत्म नहीं किया जा सकता, विघटित नहीं किया जा सकता। पॉलीथीन कितनी बड़ी समस्या, प्लास्टिक कितनी बड़ी समस्या है, क्यों है, क्योंकि ये इनको खत्म नहीं किया जा सकता, एक बार पर्यावरण में आ गए तो किसी न किसी रूप में बने रहते हैं और ये पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, पोल्यूटेंट है एक तरीके से। तो उसके लिए यहाँ बना है बायोडिग्रेडेबल, यानी कुछ ऐसे बहुलकों का निर्माण किया जाए जो हमारी जरूरतों को पूरा करे, और जब उनका काम नहीं हो तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो सूक्ष्म जीव है, जो डिकम्पोजर्स हैं, वो इनको आसानी से विघटित कर दे, डिकम्पोज कर दे, इसलिए इनका नाम बना है बायोडिग्रेडेबल बहुलक, यानी जैव निम्नीय, यानी इनमें से कोई ऐसे है जिनको सूक्ष्म जीव तोड़ सकते, छोटे छोटे रूपों में बदल सकते, ताकि हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाए। तो इसमें से जो ये पीवीसी, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये और आपका ये जो है पॉलीथीन, और आपका ये बेकेलाइट, ये तीनों जैव निम्नीय बहुलक नहीं है। ये कौन सा है, ये सब युगात्मक बहुलक है। तो बचा कौन सा, नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6, ये आपके बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण होंगे जो कि आप घर पे पढ़ें, प्रैक्टिस करें, तो उससे आपको याद हो जाएंगे। नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 इसका सही आंसर है, जो कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। अगला क्वेश्चन, ये हमारी फिजिकल केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, 5वां क्वेश्चन, कि एक यौगिक 3 तत्वों XYZ से मिलकर बना है। कोई यौगिक है, यौगिक तत्वों, जब तत्व आपस में मिल जाते हैं, एक निश्चित संगठन में मिलते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्व हो सकते हैं, तो वो बनाते हैं यौगिक। जैसे हमारा NaCl है, H2 है, CO2 है, तो ये एक यौगिक 3 तत्व XYZ से मिलकर बना है, जिनमें जो परमाणु है वो है X,
ये यूनिट सेल यानी इकाई कोशिका के प्रत्येक कोने में स्थित है, यानी जो इकाई कोशिका उसके हर कोने में, एक जहां जहां भी कोना है वहां एक परमाणु एक जरूर है। वाई परमाणु प्रत्येक कोर पर स्थित है और जो जेड परमाणु है वो फलक के केंद्र में स्थित है फलक के। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं। ऑप्शन देख लें, एक्स होगा एक, वाई होगा सिक्स और जेड थ्री, मतलब एक्स वाई सिक्स जेड थ्री। अगला ऑप्शन है एक्स होगा एक, वाई होगा तीन और जेड होगा सिक्स, यानी एक्स वाई थ्री जेड सिक्स। तीसरा ऑप्शन एक्स वाई थ्री जेड थ्री और चौथा है केवल एक एक्स एक वाई और एक जेड। इसका आंसर है सही एक्स वाई थ्री और जेड थ्री। अब ये आया कैसे, थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा, आपको मन नहीं आया तो वीडियो रोक के आप इसको नोट जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। एक्स परमाणु यूनिट सेल के प्रत्येक कोने में स्थित है, आपने पढ़ा कि जो हर एक कोने में यूनिट सेल के जो है परमाणु है आपके एक्स, तो आठ परमाणु है और हर एक परमाणु एक एक यूनिट सेल में अपना कंट्रीब्यूशन देगा, तो कितना कंट्रीब्यूशन देगा? 1/8। 8 से 8 आपका कैंसिल हो गया, तो बचा क्या एक्स, कितने परमाणु होंगे इस पूरे फॉर्मूले में? केवल एक। प्रत्येक कोर पे वाई परमाणु है आपके, तो ये कितने हो जाएंगे? 12, और हर एक का 1/4 हिस्सा होगा, तो 12 × 1/4, तो 4 से 12 कैंसिल हो गया, बचा कितना? 3। यानी कि वाई परमाणु कितने हो गए? 3। एक्स परमाणु कितना हो गया था? 1। अब बचा कि फलक के केंद्र में भी परमाणु है, तो फलक के केंद्र में परमाणु कितने हो गए? 6। और हर एक फलक के केंद्र में जो एक परमाणु होगा वो हर एक फलक को 2 हिस्से में बांटेगा, यानी 1/2 भाग उसका जुड़ेगा, तो 6 × 1/2, 2 से 6 कट गया आपका, बचा कितना? 3। तो एक्स कितना आया? 1। वाई कितना आया? 3। और जेड कितना आया? 3। यानी कि आपका सही आंसर क्या है? एक्स वाई थ्री और जेड थ्री, यही था हमारा आंसर, एक्स वाई थ्री और जेड थ्री। तो ये आपका यूनिट सेल का एक क्वेश्चन है। आगे फिर एक जो टेरिलीन का क्वेश्चन है, ये भी बहुलक से जुड़ा हुआ है। अभी बहुलक का एक क्वेश्चन अभी हमने अभी देखा, ये भी उसी तरह का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, थोड़ा ध्यान से समझे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन टेरिलीन के संबंध में गलत है ना? सही गलत वाला, गलत है ये। कौन सा, मतलब 4 में से कोई 3 सही है और एक गलत होगा, कौन सा गलत है टेरिलीन के बारे में, वो हम यहाँ पे देखेंगे। पहले ऑप्शन देख ले, फिर टेरिलीन के बारे में डिस्कस करेंगे। टेरिलीन जो है पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर जो कपड़ा होता है वो, पॉलिएस्टर के लिए एक उदाहरण है, मतलब पॉलिएस्टर का एक उदाहरण क्या है? टेरिलीन। अगला ऑप्शन है टेरिलीन को परिवर्धन बहुलकीकरण द्वारा तैयार किया जाता है। क्या है दूसरा ऑप्शन? कि टेरिलीन को परिवर्धन बहुलीकरण द्वारा जो है तैयार करेंगे। अगला है टेरिलीन की तैयारी के लिए, मतलब जब टेरिलीन बना जाएगा के लिए इस्तेमाल जो किया जाने वाला उत्प्रेरक है, कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट के बारे में कल क्लास में पढ़ा था हमने। उत्प्रेरक कौन कौन बताया है? कि जिंक एसिडेट और एक एंटीमनी ट्राईऑक्साइड का मिश्रण। टेरिलीन जब बनाएंगे तो हम उत्प्रेरक के रूप में इन दोनों का मिश्रण लेंगे, मिक्सर लेंगे। और चौथा जो पॉइंट है वो है, टेरिलीन जब बनाएंगे की तैयारी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मोनोमर, यानी कि टेरिलीन जिन छोटी इकाइयों से, जिन एकलक इकाइयों से बनेगा, वो है एक तो इथाइलीन ग्लाइकोल और एक टेरेथिलिक अम्ल। तो टेरिलीन के बारे में बात करते हैं। टेरिलीन जो है इसको डेक्रोन भी बोलेंगे। टेरिलीन जो है आपका बहुलक है, संघनन बहुलक से, संघनन की क्रिया द्वारा यह बहुलक तैयार होता है टेरिलीन, जिसको हम डेक्रोन भी कहते हैं। ये इथिलीन ग्लाइकोल और टेरिथिलिक अम्ल का संघनन बहुलक है। तो ये यहाँ पे दिया हुआ आपका टेरिथिलिक अम्ल, ये आपका जिंक एस्टेट और एंटीमनी ट्राइऑक्साइड, ये इथिलीन ग्लाइकोल और टेरिथिलिक अम्ल। तो ये वाला पॉइंट हमारा सही है कि ये टेरिथिलिक अम्ल और इथिलीन ग्लाइकोल का संघनन बहुलक से तैयार किया जाता है। ये रही आपकी इक्वेशन कि इथाइलिन ग्लाइकोल, ये डाई मिथाइल टेरिथिलिक अम्ल, ये जो रिएक्शन होती है, मतलब ये जो बहुलक जो तैयार किया जाता है, 150 से 190 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आपको रखना पड़ेगा। और जो आपके उत्प्रेरक है वो यहाँ एरो के साइड में दिए हुए, ये कैटलिस्ट है आपके उत्प्रेरक, कैटलिस्ट है आपके जिंक एसिडेट और एंटीमनी ट्राइऑक्साइड। ये आपका पॉइंट जिंक एसिडेट और एंटीमनी ट्राइऑक्साइड का, ये आपका जो थर्ड वाला पॉइंट है, ये आपका थर्ड पॉइंट कि जिंक एसिडेट और एंटीमनी ट्राइऑक्साइड। तो ये भी आपका सही है, इससे टेरिलीन बन रहा है। अब ये जो टेरिलीन है, ये इससे जो धागा बनता है, काफी रेशे मजबूत होते हैं इसके, इसलिए सूत के साथ मिलाकर इससे मजबूत कपड़ों का निर्माण किया जाता है। तो अब हमारा जो सही उत्तर है वो ये है, इसका
कि ये पॉलिस्टर का उदाहरण है, ये भी राइट है। केवल ये परिवर्धन बहुलकीकरण द्वारा तैयार किया जाता है, ये इसका पॉइंट गलत है, ये ऐसे तैयार नहीं होता है, ये संघनन के द्वारा, ये लिखा है यहाँ पे संघनन बहुलक है। तो आपका सही आंसर क्या है कि टेरिलिन को परिवर्धन बहुलीकरण द्वारा तैयार किया जाता है, ये वाला पॉइंट इसका गलत है, यानी कथन कौन सा, ये वाला गलत है। ये आपका पॉलीमर का एक क्वेश्चन हो गया। यस, आगे फिर एक यूनिट क्रिस्टल यूनिट सेल से रिलेटेड अपना एक क्वेश्चन है फिजिकल केमिस्ट्री का। परमाणु द्रव्यमान 75 वाला तत्व है, कोई भी परमाणु द्रव्यमान जिसका 75 है वो वाला तत्व ले है, उसकी जो फलक लंबाई है वो 5 एंगस्ट्रॉम दी हुई है। कितनी फलक की लंबाई? 5 एंगस्ट्रॉम। घनी जालक में क्रिस्टलीकृत होता है, कि परमाणु द्रव्यमान है 75, जिसका परमाणु द्रव्यमान है वो तत्व 5 एंगस्ट्रॉम फलक लंबाई के साथ घनी जालक में क्रिस्टलीकृत होता है, मतलब उसका क्रिस्टलाइजेशन होता है। अब यदि ये जो तत्व है इसका घनत्व यानी कि डेंसिटी है ना, डेंसिटी अगर 2 ग्राम हो तो धातु परमाणु की त्रिज्या आपको आर ज्ञात करनी है। धातु परमाणु की ऑप्शन है, एक तो 9.75 एंगस्ट्रॉम, त्रिज्या की जो इकाई वो एंगस्ट्रॉम है 9.75, एक 8.60, 2.165 और 6.495 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पे जो फलक लंबाई है, इस फलक लंबाई को हम प्रदर्शित करेंगे ऐसे, कैसे करेंगे ऐसे, फलक लंबाई ए। अब सभी प्रकार की जो घन जो इकाई सेल होती 3 प्रकार की, उन सभी का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया था किस तरह के, और कोई क्वेश्चन आप सोल्व करें तो ये आपको उसमें हेल्प करेगा। कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट जो सेल होती साधारण घनी इकाई सेल, उसकी जो त्रिज्या आर होती वो होती a/2, यानी कि फलक की लंबाई a और / 2। अगर कोई जो आपकी यूनिट सेल है, इकाई कोशिका है, वो फलक केंद्रित घन की है और उसकी त्रिज्या आपको निकालनी रेडियस, तो होगी a/2√2, या इसको ऐसे लिख देंगे कि 0.3535 a, है ना ये, या तो ऐसे लिख दें या इसको ऐसे सोल्व कर लें। और आखिरी में जो बॉडी सेंटर्ड होता है, यानी कि काय केंद्रित घन की जो त्रिज्या अगर अपने को निकालनी है, तो उसके लिए r रेडियस अगर अपने को निकालनी है, तो वो थी √3/4a, या √3 का मान निकाल के 4 से भाग दे दे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.433a। तो आप ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा इजी पड़ेगा, ये लगा दें। तो अभी हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमको ये फॉर्मूला लगाना है, 0.433a। फलक की लंबाई कितनी दी हुई है क्वेश्चन में देख ले, a हमारा दिया हुआ है 5 एंगस्ट्रॉम, ये फलक की लंबाई है 5 एंगस्ट्रॉम, तो ये 0.433 × a, a का मान है 5, इसमें जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.165 एंगस्ट्रॉम। जो आपका ऑप्शन तीसरा वाला है वो 2.165 एंगस्ट्रॉम इसका सही आंसर है। इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आगे क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किस संक्रमण धातु जो ट्रांजिशन जो मेटल्स हैं है ना, डी ब्लॉक के जो आपके जो डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनको हम संक्रमण तत्व कहते हैं, उसकी जो संक्रमण उसमें जो धातु है संक्रमण धातु के अंतिम कोश के एस कक्ष में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। कल भी हमने एक जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक क्वेश्चन सोल्व किया था, यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड है, इजी क्वेश्चन है बस आपको। और सबसे अच्छी बात है एक ऑप्शन में परमाणु क्रमांक भी उसने दिए हैं कि संक्रमण धातु संक्रमण तत्व जो कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है ठीक है उनको संक्रमण तत्व कहते हैं। उसके अंदर धातु है पेलेडियम जिसका परमाणु क्रमांक 46, इट्रियम जिसका परमाणु क्रमांक 39 सॉरी, और एक रूथियम है आपका जेड जिसका है 44, मतलब परमाणु क्रमांक 44, और आखिरी में मोलिब्डेनम जो कि परमाणु क्रमांक है 42। हमने जब इसको सॉल्व किया है तो पहले छोटे ले लिए और फिर बड़े ले लिए, जैसे कि इट्रियम 39, मोलिब्डेनम 42, रूथनियम 44 और पेलेडियम 46। जो इट्रियम है इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, क्योंकि 39 है बहुत लंबा हो जाएगा तो हमने लिख दिया क्रिप्टॉन एटॉमिक नंबर जिसका 36 है, आपकी जो इनर्ट गैस है अकरी गैस है हीलियम नियॉन जीनॉन रेडॉन क्रिप्टॉन ठीक है, उसमें से जो क्रिप्टॉन है ये आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 36 है, तो 36 तो ये हो गया आपका 37 × 2 = 39, 4d1 और 5s2। 5s2 पहले लिख सकते हैं, ऊर्जा इसकी कम है, डी की ज्यादा होगी, एस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाद बचा हुआ इलेक्ट्रॉन डी के 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। क्वेश्चन क्या था कि एस कक्ष में कोई भी इलेक्ट्रॉन जहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे एस में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो ये तो ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। अगला है मोलिब्डेनम 42, क्रिप्टॉन 36, 4d5 और 5s1, ये 1 है ना, 5s1 यानी एस में 1 इलेक्ट्रॉन है, डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, आधा भरा हुआ वाला कल कॉन्सेप्ट ये स्थिर हो गया है ना, वरना 5s में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, और डी में कितने होने चाहिए थे 4, लेकिन
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जम करके डी में चला गया, तो ये जो है आधा भरा होने की वजह से ये क्या हो गया, स्थाई हो गया। रुथनियम 44, क्रिप्टॉन 47 और 5s1, है ना, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और डी के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, तो इन तीन में तो सभी में इसमें इलेक्ट्रॉन है, केवल जो पैलेडियम है वो हमारा जो है ये 46 है, इसका जो क्रिप्टॉन 36 और डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और एस के अंदर 0, तो एस के जो इलेक्ट्रॉन है वो जम करके डी में आ गए ताकि ये पूरी तरीके से भर जाए और ये स्थिर हो जाए। ये इसका लास्ट कोश होगा, तो लास्ट कोश में सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए, तो ये स्थिर हो जाएगा, तो पैलेडियम इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इसके अंदर 0। और हमारा क्वेश्चन ही था एक्स कक्ष में किस में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो है 5s0, पैलेडियम जिसका है 46। तो ये आज के हमारे क्वेश्चंस थे, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। धीरे धीरे हम हमारे क्वेश्चंस के लेवल को टिपिकल कर रहे हैं, इजी क्वेश्चंस, कुछ टिपिकल क्वेश्चंस का मिक्सचर भी ले रहे हैं। आप वीडियो देखें, पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, आप शेयर भी करें, और आपके डाउट्स हो इनसे रिलेटेड तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन ज़रूर हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हमें पता चले। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी समझ में आएगा तो रिपीट नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से वो क्वेश्चन जरूर समझाया जाएगा, और अच्छे कोई दूसरी मेथड से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। इजी से इजी मेथड हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।